भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान रचा है। इस उपलब्धि को जनता, मेडिकल वर्कर और वैज्ञानिकों के नाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। लेकिन संबोधन में सबसे खास हिस्सा बनी प्रधानमंत्री की स्वदेशी प्लान की प्लानिंग, जिसे अपनाने और बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री ने अपील की। ठीक ऐसा ही अपील प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री की अपील का असर जानने की कोशिश की। अब अनुभव क्या मिला आप भी देखिए। हर छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। दृष्टिकोण में भविष्य के सपने, शब्दों में गंभीरता और आवाज के ओज में हर सपने को सच करने का सामर्थ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी प्लान यही है। जंग से दीगर चीन को भारत की ताकत दिखाने का मौका यही है और ड्रैगन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर सबक सिखाने का भी मौका यही है। लेकिन क्या बाजारवादी युग में जीने वालों की मानसिकता पर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का असर होगा? सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कोरोना काल में सीमा पर भारत के साथ तनाव के दौरान और उसके पहले से चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए आंदोलन तक होने लगे थे। बावजूद इसके चीनी सामानों की खपत भारत में कम नहीं हुई, वहीं भारत में बने सामान को लेकर आम लोगों की मानसिकता भी नहीं बदली। 2020 में भी भारत ने चीन से 58.71 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, तो क्या अब फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये देश का खूबसूरत शहर चंडीगढ़ है और ये चंडीगढ़ के बाजार, जहां दिवाली के करीब फैंसी डेकोरेशन और लाइटिंग के सामान नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें मेड इन इंडिया कम और मेड इन चाइना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर तो तकरीबन चीन का 100% कब्जा है, लेकिन लाइटिंग बाजार में कुछ पैठ मेड इन इंडिया ने भी बढ़ाई है। दिवाली के मौके पर अगर हम चंडीगढ़ की मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर ही चाइनीज सामान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइट्स की बात करें, गिफ्ट आइटम्स की बात करें या फिर लैंप्स, जो कि दिवाली के मौके पर ज़्यादा लोग खरीदते हैं, वो सब ज़्यादातर चाइनीज़ ही मार्केट में अवेलेबल है। इसके पीछे वजह क्या है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी गुप्ता जी हैं, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में अपना एक शोरूम चलाते हैं। गुप्ता जी, क्या लोग आपके पास सामान लेने आ रहे हैं तो मेड इन इंडिया ज़्यादा मांग रहे हैं, मेड इन चाइना की डिमांड ज़्यादा है, क्या असर आप देख रहे हैं इसका? नहीं, मांगते तो मेड इन इंडिया है, पर जब इंडियन प्रोडक्ट नहीं मिलते फिर वो चाइनीज लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सामान चाइना से आ रहा है उस तरह का इंडिया में बन नहीं पा रहा, ये दिक्कत है? हाँ जी, वैसी क्वालिटी नहीं आती, रेट वाइज भी और फिनिश वाइज भी। तो कितनी आइटम्स ऐसी होंगी, एक अंदाजा अगर हम माने कि उस पर अभी भी हम कहें कि मार्केट में अगर 100% है तो उसमें से कितना चाइनीज सामान ने ओवरटेक कर रखा है अभी? 60-70%। यानी मानसिकता बदली है, मांग मेड इन इंडिया की ही है, लेकिन ना तो चीन जैसी फिनिशिंग ग्राहकों को मिल पा रही है, ना ही चीन की तरह सामानों के दाम कम है। नतीजा, वोकल फॉर लोकल की बुनियाद अभी कमजोर दिख रही है। दिवाली के मौके पर सबसे ज्यादा अगर बिक्री होती है तो इस तरह की लाइट्स की, जिनको हम आम भाषा में लड़ियां कहते हैं, और ये लाइट्स का इस्तेमाल घरों की, मंदिरों की सजावट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो लाइट्स हैं ये पूरी तरह से चाइनीज़ हैं। लगातार हर दिवाली पर ये कैंपेन चलता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाता। चीनी सामान खरीदना हालांकि ग्राहकों की मजबूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो चीन के सामानों का पूरी तरह विकल्प बन सके। लोग स्वदेशी प्रमोट करने को तैयार भी हैं, लेकिन भारत में बना सामान उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि मुहिम को गति नहीं मिल पा रही। अब देश की राजधानी के हालात देखिए।
सजावट के सामानों की खरीदारी का सबसे पुराना और विश्वसनीय केंद्र दिल्ली का सदर बाजार। गलवान विवाद और कोरोना के दौर में तकरीबन इस बाजार पर ताला लग चुका था, लेकिन अब यहां फिर से रौनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिवाली की खरीदारी का सीजन शुरू है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया है और दिवाली के दौरान लोगों से ज्यादा भारत में बने यानी हमारे देश में बने सामान खरीदने की अपील की है। इस अपील का देश के लोगों पे क्या असर है, बाजार पे क्या असर है, ये जानने और समझने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक सदर बाजार में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दुकान में पूरे दिवाली के त्यौहार के साथ सज्जा और अन्य सामानों से ये पूरा बाजार इस तरह से अटा पड़ा है। उसी तरीके से इस दुकान में भी तरह तरह के सामान जो दीपावली के साज सज्जा से जुड़े हैं वो सभी सामान यहाँ हैं और लोग दीपावली के साथ साथ करवा चौथ की शॉपिंग भी कर रहे हैं। साज सज्जा के सामानों का आयात चीन से अब भी जारी है, लेकिन क्या ये आयात घटा या फिर ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था? जवाब सदर बाजार के ही एक दुकानदार से सुनिए। दीपावली के साज सज्जा के तरह तरह के सामान आपके दुकानों में है। मैं आपसे अच्छे से समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के अपील का बाजार पे क्या असर है, लोग अगर आ रहे हैं तो वो क्या मांगते हैं, चाइनीज सामान या इंडियन सामान या दोनों सामान जब आप शोकेस करते हैं तो लोगों का चॉइस क्या होता है? जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल देशवासी हैं उनको बढ़ावा दीजिए, जो हमारे छोटे लेबर वगैरह हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनके लिए काम दो, उन्हें तनख्वाह जनरेट होगी उनकी। तो उसी वजह से कि हम भी उन छोटे लोगों से अपने कारीगरों से बनवाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जो कि ये पहले चाइनीज़ चीज़ें बनती थी, अब ये यहीं दिल्ली में इंडिया में लोकल चीज़ें बनती हैं, कारीगर बनाते हैं जिनसे बिल्कुल थोड़ी सी, देखो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है बट आएगी जरूर जी। ये देखिए, मैं कुछ सामान आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामान देख रहे हैं आप, ये देखिए पहले चाइनीज आइटम होती जी, यहाँ पे 10 रुपए कॉस्टली पड़ती है बट ये खाली इंडिया में बन रही है, अब ये चाइनीज नहीं बन रही, जिससे कि यहाँ के लेबर्स को भी पैसे मिलते हैं, हमें भी ठीक है थोड़ा महंगा पड़ता है बट ये जी 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 बोली बोली बहुत अच्छा रहता है हमें, क्योंकि हमें बिल्कुल बॉयकॉट करना है चाइनीज आइटम्स और बिल्कुल हमें इंडियन मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।